तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन फेमस गीत लोक प्रयाग लोक कलावंश राजिम का बहुत ही सुंदर सा गीत प्रीतम, इस गीत को हम सीखेंगे काली दो से। ठीक है, तो ओरिजिनल इसके लिए इसका काली दो नहीं है, लेकिन हम इसको काली दो पे ही सीखेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए और आप इस गाने को सीख जाए, फिर आप किसी भी स्केल में इसको प्ले कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काली दो पे सीखेंगे, हारमोनियम ट्यून मैंने लगाया है और चलिए इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, का हो गया सखी तोला का हो गया, यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद गाने को आप खुद ही अनुमान लगाते जाना कि मैं किस जगह को प्ले कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। यहां तक ये पहला पार्ट, तो अलग अलग पार्ट पे हम सीखते हैं, यहां तक पहले सीखते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कोमल गा का उपयोग करें, देखिए सा फिर रे गा मा, कोमल गा नहीं लग रहा सॉरी, सारे गा मा। ठीक है, चार बटनों पे ये हो रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करें, देखिए इस वाले बटन को हल्के से टच करके जाना, नहीं तो ये खाली खाली लगेगा। देखिए अब इसका म्यूजिक, ठीक ये इसका म्यूजिक रहेगा जो कि पहले जाएगा, दो दो बार करते यहां तक, दो दो बार जाएगा, इसमें दो इसमें दो इसमें दो, फिर एक दो तीन चार। ठीक है, यहां तक होने के बाद गाना जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले ट्यून को पहले आप समझ लीजिए, का हो गए से चालू होगा हमारा गीत का मुखड़ा, एक नजर में देखे ओला तो, ठीक इस प्रकार से एक उंगली से स्लो में देखते हैं, इसको अगर हम पीछे के बटन को हल्का से टच करके लेके जाएं, कर्ण स्वर अगर हम लगाएं तो अच्छे से ये बजेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखिए इस पे कर्ण स्वर डालेंगे तो, ठीक है कर्ण स्वर करके, तो चार बटनों पे ये प्ले होगा, कर्ण स्वर अगर हम लगाएंगे तो एक दो तीन चार, देखिए से एक बार देखते हैं, अब ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखिए इस प्रकार से इसको आप अच्छे सुरीले सुरीले स्वर में बजाइए, यहीं पे बजेगा चारों बटन पे, ऐसे भी कर सकते हैं और
ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक ऐसे, फिर इसका म्यूजिक, दो बार यही रिपीट होगा। ये मैं शॉर्टकट में ले रहा हूं, दरअसल इसमें थोड़ा और अच्छा से बजा हुआ है, देखिए। आप शॉर्टकट में ये, ठीक है। एक बार अलाप, एक बार बेंजो ट्यून पड़ा है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, अगर मैं जो सिखा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप सीख रहे हैं तो ही हम इस विषय पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस गाने का जो अंतरा है उसको हम तभी सीखेंगे जब आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया और अगर आपको अंतरा को सीखना है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।